अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आप यूनिक चिकन कटलेट्स बना रहे, एकदम टेस्टी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने यूनिक चिकन चीज कटलेट्स बनाए, एकदम टेस्टी। अभी इसको कैसा बनाए वीडियो में देखिए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। 150 ग्राम चिकन को हमने उबाल के नमक डाल के उबाले और इसका स्टेट करके लिए। ये देखो, 2 टेबल स्पून गोभी लिए, उसको चॉपर में चॉप करके लिए। 2 टेबल स्पून गाजर लेके उसको चॉपर में चॉप करके लिए। 1 टेबल स्पून शिमला मिर्च को चॉपर में चॉप किए। और ये मोजरेला चीज़ है आधा प्याज, वो भी लेंगे। चीज़ डालेंगे तो हर चीज़ अच्छी लगती है, खासकर कबाब। तो ये है मिक्सअप है, 1 टीस्पून, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून काली मिर्च है, स्वाद अनुसार नमक है, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स है। ये एक प्याली भर के, ये है छोटी प्याली भर के मैदा है। और ये 2 आलू है, उसको उबाल के छील के खिसके लिए। स्वाद अनुसार नमक है, 1 टीस्पून काली मिर्च है, 1 टीस्पून जीरा पाउडर है कुटा बना जीरा, 1 टीस्पून मिक्सअप है। अभी बनाने का तरीका बताएंगे। अभी देखो, आलू डालेंगे, एकदम इजी रेसिपी बता रहे रमज़ान के लिए। देखो अभी ये देखो, ये है मिक्सअप है, और ये जीरा पाउडर है, और ये काली मिर्च है, और स्वाद अनुसार नमक है। इसमें डालेंगे मैदा, डालेंगे अच्छे से कलाएंगे इसको। अभी इसको अच्छे से मिक्स किया, अभी साइड में रखेंगे। अभी देखो इसमें चिकन मिक्स करेंगे, पूरा सब सामान मिक्स करेंगे। देखो मसाला डाले, अभी इसमें चीज़ भी डालेंगे। अभी देखो ये मेरे को सही नहीं लग रहा है, इसमें कुछ तो कम लग रहा है, क्योंकि मेरे को टेस्ट अच्छा चाहिए ना, इसके लिए बता रही आपको। अभी ये देखो, अदरक का पाउडर 1 टीस्पून और 1 टीस्पून लहसुन का पाउडर। ये देखो अभी इसमें चीज़ डालती है। देखो अभी सही लग रहा है, क्योंकि एक कुछ कम था, मुझे लग रहा है अच्छा नहीं लगेगा। टेस्ट कैसा बनाओ तो ऐसा बनाइए, ऐसा तुम भी बनाया करो। ये देखो, आपके पास अगर पाउडर नहीं है तो पेस्ट भी डालेंगे तो भी चलेगा। ये देखो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हाथ में तेल लगाने का। ये देखो अभी एक टिकली बनाएंगे, ये आटा लिए, अभी इसमें टिकली बनाएंगे। अभी जो मिक्स किए ना चिकन का पूरन, वो भरेंगे इसके अंदर। स्टफिंग पूरन, हाँ पूरन बोलते हैं स्टफिंग, कोकनी में पूरन बोला जाता है। ये देखो अभी इसको अच्छे से मिलाने का, मिठाने का। ये देखो आप गोल बनाओ, ऐसा बनाओ, चलेगा। कोई भी साइज में आपको जो पसंद आता है वैसा बनाओ। ऐसा बनाने का सारे बनाएंगे, फिर बताएंगे। अभी इसमें मैदा डालेंगे, चुटकी भर नमक डाल दी। अभी पानी डालेंगे, न पतला न गाढ़ा, गोल बनाएंगे। 150 ग्राम चिकन में इतना सारा बना, देखो आप ऐसा भी फ्राई करके खा सकते हैं, नहीं तो फिर ऐसा भी खा सकते हैं जैसा हम बता रहे, मैदे में डिप करके ब्रेड क्रम्ब में कोट करने का, ऐसा भी बना के खा सकते हैं, ऐसा भी फ्राई करके खा सकते, चलेगा। नहीं मैदा है कोई बात नहीं, लाने कोई नहीं कोई बात नहीं। ये देखो ऐसा सब बनाएंगे, सारे बनाएंगे फिर बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो अभी एक एक करके ये फ्राई करेंगे गरम तेल में, अच्छा गरम करने का तेल, उसके ऊपर फ्राई करने का। देखो एक हमने गोल बनाया, एक पीस हमने गोल बनाया,
गरम तेल में तलने का, अभी अलट पलट करने का, थोड़ा रुकने का 5 मिनट, उस अलट पलट करने का। देखो ज्यादा तेल रहेगा ना तो फटाफट अलट पलट हो जाता है, तेल सुस्ता नहीं बिल्कुल। ये रेसिपी बनाओ आप, रेसिपी बनाओ फिर बताओ मुझे, बिल्कुल तेल नहीं चूसेगा इसमें। मिला है रमाद्री, देखो एकदम फर्स्ट क्लास पक गया, अभी निकालेंगे इसको, ऐसा कलर होना चाहिए। देखो रमाद्री रोजा खोलने को आओ, बिस्मिल्लाही वाला बरकतिल्ला। अरे वाह देखो कितना एकदम टेस्टी बना, एकदम फर्स्ट क्लास। देखो बिस्मिल्लाही रहमानिर्रहीम, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कैसे हो। अल्लाह पाक परवरदिगार आपको सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह पाक परवरदिगार आपको गैबी दौलत दे, जारो जार आरो आर गैबी दौलत दे। अल्लाह पाक परवरदिगार आपको हमेशा खुश रखे, हर हर पूरे रमजान में, हर सालों साल में खुश रखे। अल्लाह पाक परवरदिगार सबकी उम्र दराज करे, सबका टेंशन फ्री करे, सबकी दुआ कबूल करे। अल्लाह पाक परवरदिगार सबकी उम्मीद पूरी करे। अल्लाह पाक परवरदिगार सबके रोजी में बरकत दे। अल्लाह पाक परवरदिगार रोजी रिज़्क बरकत सुख शांति धन दौलत दे। अल्लाह पाक परवरदिगार सबको खुश रखे, सलामत रखे। जो मेरा चैनल देखते हैं उनके लिए भी दुआ करती, जो नहीं देखते उनके लिए भी दुआ करती। अल्लाह पाक परवरदिगार सबसे खुश रहो, सबने आबाद रहो। अल्लाह पाक परवरदिगार जो लड़कियाँ की शादी नहीं है उनकी शादी होने दो, अपने ससुराल में जाके अपने माँ बाप का नाम करने दो। अल्लाह पाक परवरदिगार जो हॉस्पिटल में है वो अच्छे होके घर पे आने दो, उनकी उम्र दराज होने दो। अल्लाह पाक परवरदिगार जिसकी गोद नहीं भरी उसके साहिब औलाद होने दो। अल्लाह पाक परवरदिगार जो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, मेरे यूनिक कटनेस को आगे बढ़ाओ प्लीज। अल्लाह हाफिज़।